अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त तनवीर और आप देख रहे हैं तनवीर बाइक स्पेशलिस्ट चैनल। आज हम आपको बताएंगे मोटरसाइकिल का इशारा अगर टूट जाए तो उसे कैसे लगाना है और उसके वायरिंग इशारे की जो तारे हैं उसका कनेक्शन कैसे करना है। इसी मौके पर हम आज आपके लिए वीडियो बनाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक कमेंट एंड शेयर करें। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो भी सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन आल पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी तो ये बाइक हमारे पास आई है, इसका इशारा टूटा है। ये गौर करें आप, देखें एक इशारा टूटा है और हम आज ये लगाएंगे और आपको भी दिखाएंगे कैसे लगाते हैं। 10 नंबर की चाबी से सीट के काबले खोलेंगे दोनों तरफ ऐसे, इसी तरह के दो काबले होते हैं। ये नया मॉडल 70 है। दूसरी तरफ का काबला खोलेंगे, दोनों काबले हमारे खुल गए हैं और सीट ऊपर से उठा देंगे। चौदह नंबर की चाबी लगेगी गुटके को, पुराने इशारे को नट खोलेंगे और इसे बाहर निकाल देंगे। ऊपर से तारों को निकाल देंगे बाहर। इशारा आ गया नया। लेफ्ट साइड का इशारा है ये न्यू मॉडल का। न्यू मॉडल में फ़र्क आया है लेफ्ट और राइट का, ओल्ड मॉडल में फ़र्क नहीं आया। ये आपको दिखाते हैं, ये लेफ्ट साइड का है। लेफ्ट साइड का इशारा है इस तरफ, लेफ्ट साइड का लगेगा। लेफ्ट साइड का इशारा लेते हैं, इस तरह। अब इसमें इशारा फिट हो गया। अब इसमें नट डालेंगे और उसे अच्छी तरह टाइट करेंगे। इस तरह से इशारे को अच्छी तरह टाइट कर देना है आपने। अब तार को ऊपर, यहाँ से ऊपर निकालेंगे, बॉडी गार्ड क्लंप पे अच्छी तरह फंसा देंगे। अच्छा, जो सब्ज तार है वो जी अर्थ है। हर इशारे की चार इशारे होते हैं, चारों इशारों में से जो सब्ज तार होती है और वायरिंग में भी जो सब्ज तार होती है वो अर्थ होता है। और लेफ्ट साइड बैक का जो लेफ्ट साइड का इशारा है उस लगेगी ब्लू यानी नीले कलर की तार होगी और करंट वाली तार उसमें लगेगी, प्लस तार जो है। इस तरह आपने तारे दोनों लगा देनी है और रबड़ को हम ऊपर कर देंगे अच्छी तरह से और क्लंप को अच्छी तरह साथ में मिला देंगे, टाइट कर देंगे। इशारा चला के दिखाते हैं आपको। लें जी, इशारा बिल्कुल चल गया, हमारा कनेक्शन हो गया। इसी तरह से आसानी आपने भी रिएक्शन कर लेने हैं। अच्छी तरह मिट्टी साफ कर लेंगे और ऊपर रखेंगे कश्ती। अब प्लास्टिक का जो उन्होंने बनाया हुआ है, वैसे वैसे पंजाबी में तो कश्ती कहते हैं।
ये बहुत ज़रूरी है, ताकि इसमें ना फिल्टर में गट्टा वगैरह मिट्टी वगैरह बहुत कम जाती है इससे। सीड फिट करेंगे, सीड को आगे से आपने ज़रा अच्छी तरह से बिठाना है। और वापस दोनों काबले लगाने में आप सब दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, जो वीडियो हमारी नए देखने आए हैं, उनसे भी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वापस काबले आपने अच्छी तरह टाइट करने हैं। ये न्यू मॉडल है, न्यू मॉडल को सीट के 10 नंबर के काबले लगते हैं। जो ओल्ड मॉडल है 2012 से नीचे नीचे, उनको 12 नंबर के बोल्ट लगते हैं। तो प्लास्टिक वाली सीट है न्यू मॉडल में 2012 के बाद 13, 14, उसके बाद जितनी भी मोटरसाइकिल 70 होंडा आई हैं उसमें प्लास्टिक की सीट आई है। फ्रेम प्लास्टिक का है और उसे 10 नंबर के बोल्ट लगते हैं होंडा 70 में। चाइना में फ़र्क है, चाइना में कहीं प्लास्टिक में आई हैं, कहीं लोहे का पत्रा आया है। चलो जी, हमारा काम मुकम्मल हो गया। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।